आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं बालवीर और बालवीर रिटर्न शो को, और जानने वाले हैं दोनों शो में से किस शो की सबसे ज़्यादा टीआरपी है, और जानने वाले हैं किस शो में बालवीर को सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें बालवीर और बालवीर रिटर्न शो में बालवीर की पावर की, तो बालवीर शो में बालवीर के पास सातों परियों की शक्तियाँ थी, और जब बालवीर का कॉस्ट्यूम चेंज हुआ था तो बालवीर के पास दो शक्तियाँ और आ गई थी। एक, बालवीर समय से भी तेज दौड़ सकते थे, और दूसरा, बालवीर किसी भी चीज़ को धीमा कर सकते थे। बात करें बालवीर रिटर्न शो की, तो बालवीर रिटर्न शो में भी बालवीर के पास सातों परियों की शक्तियाँ हैं ही, और बालवीर के पास दो शक्तियाँ और आ गई है। पहला, जब भी बालवीर खतरे में रहते हैं तो उसके हाथ पे ढाल सा बन जाता है, जिससे बालवीर किसी भी खतरे को रोक सकते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और दूसरा, बालवीर किसी भी खतरे को पहले से ही भाप सकते हैं, यानी बालवीर और बालवीर रिटर्न शो में दोनों बालवीर के पास सेम ही पावर है। अगर बात करें दोनों शो की VFX की, तो पहले जान लेते हैं VFX क्या होता है। आप देखे होंगे परी लोग और बालवीर जब भी अपने पावर को यूज करता है तो लाइटनिंग सा आ जाता है, यानी परी लोग नकली रहता है, और बालवीर शक्ति का जो इस्तेमाल करता है और आपको लाइटनिंग सा दिखता है वो भी नकली रहता है, उसे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो गाइज, इसे VFX कहते हैं। तो बात करें बालवीर शो की, तो बालवीर शो 2012 में आया था। उस समय इंडिया में ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, इस कारण से बालवीर शो का VFX बहुत ही कम था। और बालवीर रिटर्न्स 2019 में आया है। इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे बालवीर रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का VFX यूज किया गया है। तो VFX के मामले में बालवीर रिटर्न्स शो की VFX बहुत ही अच्छी है। अगर बात करें दोनों शो की TRP की, तो बालवीर शो का TRP बहुत ज़्यादा है, इसलिए बालवीर शो बहुत दिनों तक चला, और बालवीर शो का टोटल एपिसोड 1111 है। फिर बालवीर शो बंद हो गया, और बालवीर रिटर्न्स शो का TRP बहुत कम था, इसलिए बालवीर रिटर्न्स शो ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और इसका टोटल एपिसोड 355 है, फिर ये शो बंद हो गया। तो गाइस, TRP में बालवीर शो का TRP बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें दोनों शो की पॉपुलैरिटी की, तो बालवीर शो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बालवीर रिटर्न शो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोनों शो में से आपको कौन सा शो अच्छा लगा।